हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, काम करते समय, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हाथ से दही गिर जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है, यानी कि आपके जीवन में ये शुभ होता है या अशुभ होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, दही गिरना शुभ होता है या अशुभ होता है, इससे पहले जानते हैं कि दही खाने के फायदे क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, दही का सेवन करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। हर रोज दही खाने से भूख ना लगने की बीमारी खत्म हो जाती है। जो लोग हर रोज दही का सेवन करते हैं, ना तो वो मुंह से दुर्गंध आती है, ना ही उनके दांतों में कीड़ लगता है। हर रोज दही खाने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाती है। यह माना गया है कि जो लोग नियमित रूप से दही का सेवन करते हैं, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। दही का नियमित सेवन करने से आंतों के रोग और पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती है। दही में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारी हड्डियों का विकास होता है। दोस्तों, हींग का छोक लगाकर दही खाने से जोड़ों के दर्द में लाभ मिलता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होता है। तो दोस्तों, दुबले पतले व्यक्ति को अगर दही में किशमिश, बादाम या छुहारा मिलाकर दिया जाए तो वजन बढ़ने लगता है। दोस्तों, दही के साथ शहद मिलाकर जिन बच्चों के दांत निकल रहे हो, उन्हें चटाना चाहिए, इससे दांत आसानी से निकल जाते हैं। रात को नींद न आने वाली बीमारी में दही का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। हमारे दिमाग के लिए दही का सेवन बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि दही में विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों, हर रोज दही का सेवन करने से आंतों पेट संबंधित बीमारियां नहीं होती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक दवाई का सेवन के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दही की सेवन की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। दही खाने का सीधा संबंध मस्तिष्क है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दही का सेवन करने वालों को तनाव की शिकायत बहुत ही कम होती है। अगर आप खुद को बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो हर रोज दही का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह दही खाने से होते हैं बहुत सारे फायदे। दोस्तों, गड़बड़ी में यदि आपके हाथ से किचन में या दोस्तों घर के अंदर दही गिर जाता है, दोस्तों यदि बाहर भी आपको लाते समय दही गिर जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है, यानी कि ये शुभ होता है या अशुभ होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, दही सफेद रंग का होता है, इसलिए इसको चंद्रमा के प्रतीक से जोड़कर देखा जाता है और इसका गिरना दोस्तों अशुभ माना जाता है। जी हां दोस्तों, दही का गिरना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ग्रह के अंदर सबसे अधिक गति वाला चंद्रमा को माना जाता है, इसी वजह से चंद्रमा को काल पुरुष का मन कहा जाता है। यह चंद्र माता मन, मस्तिष्क, बुद्धिमता, स्वभाव, जननेन्द्रिय, प्रजनन से संबंधित होता है। जी हां दोस्तों, ये जल तत्व और भावना पर नियंत्रण रखता है। दोस्तों, घर के अंदर दही का गिरना शुभ नहीं माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि दही चंद्रमा का प्रतीक होता है और दही का गिरना मतलब चंद्रमा का गिरना मान सकते हैं, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा हमको जो चीज देता है उन पर बुरा असर हो सकता है। जी हां दोस्तों, घर के अंदर दही का गिरना यह संकेत देता है कि आपके घर के अंदर से सुख और समृद्धि जा रही है। चंद्रमा की वजह से घर में शांति होती है। तो दोस्तों, यदि आपके हाथ से दही गिर जाता है, तो दोस्तों तब आप जिस भगवान को मानते हैं, उस समय आप 11 बार मनी मन अपने भगवान का जाप अवश्य करें, इससे इसका प्रभाव कम हो सकता है। दोस्तों, चंद्र मतलब दही का जमीन पर गिरना यह संकेत देता है कि यह अशुभ है, और चंद्रमा बुद्धि और मन का प्रतीक होने की वजह से आपके घर के अंदर मानसिक परेशानियाँ आ सकती है और कलह भी हो सकता है। मानसिक परेशानी के अंदर कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है, जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाना, किसी बात को लेकर मानसिक परेशानी, चिंता आदि सताती है। जी हां दोस्तों, जैसा हम आपको ऊपर बताया है
कि दही का संबंध चंद्रमा से होता है। दही गिरने का मतलब है कि आपके कारोबार के अंदर नुकसान हो सकता है या आपके ऊपर वित्तीय संकट आ सकता है। चंद्रमा को सफलता देने वाला बताया गया है। दोस्तों, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। दही का गिरना कोई एक परिणाम को प्रकट नहीं करता है या कई परिणाम को प्रकट कर सकता है और दो अलग अलग व्यक्ति के इसलिए दो अलग अलग परिणाम हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग मजबूत वित्तीय स्थिति के अंदर है तो उनके लिए दही का गिरना अन्य दृष्टि से अशुभ हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके घर से कोई किसी कामवश बाहर जा रहा हो और उससे पहले ही दही जमीन पर गिर जाता है तो ये बहुत ही अशुभ होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जिस काम करने के लिए बाहर जा रहा है वो सिद्ध नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कुछ दिनों के अंदर विदेश यात्रा कर रहे हो और दही जमीन पर बार बार बिखर जा रहा है तो आपको ये संकेत देता है कि आपको विदेश यात्रा को टाल देना चाहिए या आपकी विदेश यात्रा के अंदर अनेक प्रकार की समस्या आ सकती है। जिसका दोस्तों इसके सबसे अच्छा उपाय यही है कि एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं, वो आपको सही राह दिखाएगा। दोस्तों, घर के अंदर बार बार दही का गिरना बहुत ही बुरा संकेत होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा ही होता है। बार बार दही का गिरना बताता है कि आपके परिवार के ऊपर बड़ी मुश्किलें आने वाली है। ये मुसीबत कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कोई गंभीर रूप से बीमार हो सकता है या फिर बड़ी समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ दही का गिरना अशुभ माना जाता है, जब हम किसी शुभ कार्य से बाहर जाते हैं तो दही और गुड़ खिलाया जाता है। इसके अलावा नवघर नववधू को पहली बार दही और गुड़ खिलाकर स्वागत किया जाता है। नया अनाज जब घर में लाया जाता है तो दही के कटोरों का दर्शन किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह दही का गिरना अशुभ होता है। तो दोस्तों, दही का बार बार गिर जाना तो ये अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा होता है तो दोस्तों, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका मनी मन में 11 बार जाप अवश्य करें। इससे आपका आने वाला संकट है टल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह आप उपाय करते हैं तो आप इस संकट से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।